फाइनली राजकुमार राव ने अपनी आने वाली नई फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। वहीं स्त्री 2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के बाद अब राजकुमार राव एक और प्रोजेक्ट के साथ वापस आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अभिनेता ने आज यानी कि 31 अगस्त को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इसी खास मौके पर राजकुमार राव ने अपनी आगामी मूवी का फर्स्ट लुक आउट कर दिया है। वहीं इस मूवी का टाइटल मालिक रखा गया है। श्रीकांत अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में वे कभी न देखे गए अवतार में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट लुक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मालिक की दुनिया में आप सभी का स्वागत है, शूट शुरू हो चुका है, जल्द ही मुलाकात होगी। जैसे ही राजकुमार राव ने अपना लुक आउट किया वैसे ही बर्थडे बॉय के लिए फैंस ढेर सारा प्यार दिखा रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि मार डालो, दूसरे ने कमेंट किया कि डेंजर लुक, जबकि अन्य लोगों ने राजकुमार राव की फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वे एक एक्शन हीरो बन गए हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी एक इमोशन से भरपूर एक्शन मूवी है जिसमें अभिनेता के कौशल को उजागर किया जाएगा और साथ ही इस मूवी में जबरदस्त एक्शन स्टंट को भी दिखाया जाएगा। वहीं राजकुमार राव ने इस भूमिका के लिए खुद को फिट रखने के लिए वादा लिया है। बार्बी फिल्म में अपनी भूमिका के लिए मशहूर मेधा शंकर कथित तौर पर राजकुमार राव के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। वेल दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की शूटिंग के बारे में। तो इस मूवी की शूटिंग अभी लखनऊ में शुरू हुई है। तो दोस्तों आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं राजकुमार राव और मेधा शंकर की आने वाली मालिक मूवी को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।